हालेलुया। इस सिस्टर का नाम मंजीत है और जे अमृतसर गढ़वाली गांव के रहने वाले हैं और इनकी गवाही जे जे बता रही कि आज से 3 महीने पहले इनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट जब हुआ था उस समय इनके पूरी बॉडी में बहुत ही गहरी चोट लग गई थी, पूरी बॉडी पर ही, इनके फेस पर, इनकी बाजू जो थी राइट साइड वो फ्रैक्चर हो गई थी उसकी हड्डी, और जिसके कारण जे बहुत ही परेशान थे क्योंकि इनकी हालत इतनी गंभीर थी कि जैसे जी हॉस्पिटल में गए, इन्होंने बताया कि इन्होंने 2 हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने इनको जवाब दे दिया कि इनको वो नहीं थे एडमिट नहीं कर रहे थे, रख नहीं रहे थे क्योंकि इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, इनको कोई भी होश नहीं थी और इनका ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकल गया था जिसके कारण जब बता रही कि डॉक्टर इनको एडमिट नहीं कर रहे थे। और फिर जैसे इन्होंने बताया कि जब प्रेयर टावर में इन्होंने कॉल की, बताया कि इनकी हालत बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर है, इनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और जैसे इनके लिए प्रार्थना की और प्रभु के दास के साथ जब इनके लिए बात हुई, इन्होंने प्रार्थना की कि आप डरो नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। तो फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने जब जे इनकी फैमिली इनको गुरु नानक हॉस्पिटल में लेकर गई, उन्होंने इनको एडमिट किया। पहले हम उस पिक को देखेंगे। और जैसे जी हॉस्पिटल में गए तो इनकी जो बॉडी में हम देख सकते हैं इस पिक में कि बहुत ज़्यादा चोट थी, इनके फेस, इनके बाजू, इनके लेग्स में और इनकी राइट साइड बाजू की हड्डी तो फ्रैक्चर हो गई थी। और डॉक्टर ने कहा था कि इसका ऑपरेट होगा, पर जी सिस्टर ने बताया कि इनके पास पैसे नहीं थे, इतना खर्च नहीं था और जिसके कारण जी काफ़ी परेशान हो गए। प्लस इन्होंने बताया है कि इनका BPL सरकारी जो कार्ड होता है हॉस्पिटल का, इनका भी बना था पर वो भी हॉस्पिटल में चल नहीं रहा था जिसके कारण जी काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि जी काफ़ी दर्द हो रही थी जब इनकी बाजू में चोट लगी थी। और जैसे फिर इनकी फैमिली ने कॉल की कि ऐसे हमारा ऑपरेट नहीं हो रहा, और फिर से प्रभु के दास ने इनके लिए प्रेयर की और इनके लिए परमेश्वर ने रास्ते को खोला, जो इनका BPL का कार्ड जो था सरकारी हॉस्पिटल का वो चल नहीं रहा था, उसी समय परमेश्वर ने इनका रास्ता खोला और वो कार्ड भी इस परमेश्वर ने चला दिया और उसके दौरान ही इनका जो ऑपरेट हुआ। और जैसे इनका ऑपरेट भी हो गया, बहुत अच्छे से परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, फिर जो इनकी बाजू थी डॉक्टर ने कहा था कि 2.5 महीने लग जाएंगे, आप कोई भी काम नहीं करना। और जो काफ़ी परेशान थे क्योंकि इनके बच्चे भी छोटे थे और जो अपना कोई भी घर का काम नहीं कर सकते थे और जिसके कारण जो बेड पर ही थे और जो इनकी बाजू बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होती थी। फिर जो सिस्टर मीटिंग में आई, इन्होंने 2 ऐसे थर्सडे और संडे की मीटिंग को अटेंड किया। फिर जो 15 मई संडे की मीटिंग में आए, उस दिन फुल ले हैंड मीटिंग थी और जैसे ही प्रभु के दास ने उस दिन इन्होंने फॉर्म के ऊपर अपनी प्रॉब्लम को लिखाया और इनके लिए ले हैंड प्रार्थना हुई। अभी हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। मेरा यीशु है महान योदी गावा मैं सना, मेरा यीशु है महान योदी गावा मैं सना, मेरा यीशु है महान योदी गावा मैं सना। जो इसकी रुकावट है, शैतान तेरी हर रुकावट, तेरे हर एक बंधन को इसके जीवन से मैं तोड़ता हूँ। और जैसे ही इनके लिए ले हैंड प्रार्थना हो गई और इन्होंने उसके बाद धन्यवाद किया, रिसीव किया और जो विश्वास में बने रहे, जे बता रहे कि जैसे जे प्रार्थना में बने रहे, जैसे डॉक्टर ने कहा था कि 2.5 महीने लगेंगे आपकी बाजू को सही होने में क्योंकि इनकी बाजू में तार डली थी, और परमेश्वर ने 1.5 महीने में इनकी बाजू को अच्छा कर दिया और आज जब अपने घर का काम भी कर रहे हैं, इनकी बाजू में कोई दर्द नहीं है, तो आज परमेश्वर ने इनकी बाजू को बिल्कुल अच्छा कर दिया। तो सिस्टर जी अभी आप अपनी बाजू को दिखाइए, ऊपर नीचे करिए। तो आप बताइए कि अभी आपकी बाजू में कोई दर्द, जहां आप अपने घर का काम कैसे करते हो? जय मसीह दी सारेयां नूं। मैं पूरा घर का काम सारा कर दी हूँ। हुण पहला मेरे को रोटी नहीं वेली जांदी, 1.5 महीने बाद मैं रोटी वेलनी शुरू कर दित्ती।
मैं डॉक्टर ने कहा कि दो ढाई महीने तक तुहाडे कोल कोई काम नहीं होना, पर मैं डेढ़ महीने तक काम पूरा कर लग गई। हालेलुया। और सच में कलीसिया जे परमेश्वर की ग्रेस है कि जो खुदावन परमेश्वर ने इस बैंड को बिल्कुल आज इनकी बाजू को अच्छा कर दिया है। आज इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया पूरी जोर से। बड़ी के बड़े कम नहीं कर सकता कोई, बड़ी के बड़े कम नहीं कर सकता, ओ दी दया सदा दी होते सब कुछ कर सकता, ओ दी दया सदा दी होते सब कुछ कर सकता। तो देखा सबने ना, अब देखो और उस समय की इनकी हालत और अब देखो, लगता है कुछ हुआ है, लगता है कुछ हुआ है, इनके चेहरे से पता लग रहा है कि कुछ हुआ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। बोलो क्या हमारा परमेश्वर वो ऐसा महाजाजक नहीं है कि हमारे दुखों में क्या ना हो, हमारा सांझी ना हो, वो ऐसा महाजाजक नहीं है, वो आपके साथ खड़ा है और आपकी सहायता करता है। तारीफ करो इस गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से, आमीन।